नमस्कार, हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री नायाब सैनी प्रदेश की जनता को एक के बाद एक तोहफे दे रहे हैं, चाहे वो बिजली बिलों में कटौती की बात हो, या वो नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ सुविधाएं देने की बात हो, या छात्रों को बस पास की समय सीमा या बस पास की किलोमीटर सीमा बढ़ाने की बात हो, एक के बाद एक तोहफे दिए जा रहे हैं। लेकिन अब जो नया तोहफा आ रहा है वो मंदिरों के पुजारियों के लिए है। सरकार इन पुजारियों को वेतन देने की तैयारी कर रही है। अभी तक यह तय नहीं है कि उन्हें समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ अंशदान दिया जाएगा या सरकार एक अलग बोर्ड बना करके उनकी सहायता करेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका बताना यह है कि सरकार जल्दी ही इनको एक वेतन दे सकती है, ताकि इनको अपने भरण पोषण में या अपने बच्चों के लालन पोषण में कोई परेशानी ना आए। इनके बच्चों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे आगे पढ़ करके अपने इस कारोबार को, अपने इस व्यापार को ढंग से चला सकें। हालांकि ये पहली बार हो रहा है प्रदेश में, लेकिन इसकी तैयारी है। सरकार लगभग तय कर चुकी है उन्हें ये अंशदान या उन्हें ये वेतन या उन्हें ये सहयोग राशि कैसे दी जाएगी, किस तरह उन्हें मिलेगी। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से हरिभूमि के ब्यूरो प्रभारी योगेंद्र शर्मा, वह बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। योगेंद्र जी, ये क्या मामला है? राज्य सरकार पुजारियों को पेंशन दे रही है, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं, तो क्या है आप बताएंगे? चंडीगढ़ में बैठे हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी इसमें। पंडित जी देखिए, इसमें जो भी जैसे आप चर्चा चल रही है या जो भी सोशल मीडिया में चीजें चली हैं, उसमें बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी दिन पहले एक इनके पुजारियों के वेलफेयर के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था और पहले उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी। तो उसमें क्या है कि पुजारियों को कोई मानदेय या कोई सैलरी देने का इशू नहीं है, वो केवल बात ये थी कि इनके वेलफेयर के लिए इनको मिनिमम वेज, इनको जो न्यूनतम वेतन मिले, जहाँ जिस संस्था के लिए भी ये पंडित काम करेंगे, जिस मंदिर धार्मिक संस्थान के अंदर ये जाएंगे, इनको मिनिमम वेज देने का एक इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, बाद में उसकी नोटिफिकेशन की गई थी। अब उसमें केवल ये है जो आज, क्योंकि अभी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हुई है और उसकी ब्रीफिंग अभी हुई नहीं है डिटेल्ड, और कोई बात नहीं, शायद उसमें अभी जो रिलीज जारी होंगे उसमें कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई मानदेय या वेतन देने जैसी कोई बात नहीं है। उनको जो संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं उनको न्यूनतम वेजेस मिले, इसके अलावा जो उनके बच्चे या वो खुद पुजारी कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, एक तरह की उनकी सोशल सिक्योरिटी की का इंतजाम हरियाणा की सरकार करने जा रही है। और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ अगर वो कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग अगर वो करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो जाना चाहते हैं, कुछ और वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उस तरह का एक इशू है, उस तरह की पॉलिसी हरियाणा सरकार लेके आ रही है। उसी की नोटिफिकेशन काफी पहले जारी हुई थी, आज जो कैबिनेट हुई है उसके अंदर ये एजेंडे में शामिल था। और उसमें केवल जिस प्रकार से आयुष्मान में डाल के लोगों को वो करते हैं, लाभ देते हैं, उसी तरह की सुविधा देने की एक ये पहल है। योगेंद्र, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है सरकार लगातार, क्योंकि पुजारियों पे पहले भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब लगातार चर्चाएं हैं कि उनको एक अलग से दिया जाएगा, ऐसा मिनिमम वेज टाइप में कुछ की क्या दिया जाएगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सरकार क्या देगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि 5100 रुपए शायद सरकार तय कर सकती है। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला सरकार को, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से नया सैनी लगातार एक के बाद एक उपहार दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन ईयर है और लगभग दो ढाई महीने का समय रह गया है, तो सरकार बड़ी बहुत सारी सौगात, बहुत सारे वर्गों के लिए कोई लाभकारी घोषणाएं, इम्प्लॉइज के लिए कुछ वेलफेयर की स्कीमें जारी कर सकती है, कुछ सरपंचों को जैसे उनकी लिमिट बढ़ाई गई है 21 लाख की है। आज पंचकुला में एक राज्य स्तर का एक कार्यक्रम है जिसमें जो सरपंच एसोसिएशन है वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रही है और आभार व्यक्त कर रही है। लेकिन जहां तक पुजारियों के वेतन की बात आप कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि सरकार कोई उनका वेतन निर्धारित करने जा रही है। सरकार और ऑफिसर्स जिन्होंने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है वो अगर उनकी उस चीज का अगर नोटिफिकेशन को लोगों ने ध्यान से पढ़ा है और जो पॉलिसी बनी है उसको अगर किसी ने अध्ययन किया है, स्टडी किया उसकी, तो उसके अंदर इनको मिनिमम वेजेस सैलरी दिलाने का प्रावधान है, चाहे ये मंदिर में है चाहे किसी धार्मिक संस्थान में है, वहाँ उसके तहत इनको
इनके वेलफेयर की स्कीम एक तरह से ये है, और अगर वो खुद अपना स्टडी करना चाहते हैं, अपने धर्म से संबंधित अपने जो अनुभव है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। इनकी फैमिली में जो फैमिली कवर होगा, फैमिली के जो बच्चे कुछ करेंगे, कोई डिप्लोमा डिग्री या कोई और अपना करना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने की, उनके उनको लाभ पहुंचाने की एक तरह की ये स्कीम नीति बनाई तैयार की गई है। रविंदर, इससे आपको इसको पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखेंगे रविंदर, तो आपको क्या नजर आता है कि अगर सरकार ऐसा करती है, उनको आयुष्मान की श्रेणी में ले आती है पुजारियों को, उनके लिए एक मिनिमम वेज के आधारित करती है, तो पॉलिटिकल भी कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे? बिल्कुल निश्चित तौर पर पंडित जी, अगर आप देखें कि हरियाणा सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जो निर्णय ले रही है वो तमाम उन लोगों के लिए फिलहाल निर्णय नजर आ रहे हैं जो मासिस से जुड़े हैं। जैसे सरपंचों की बात की जाए तो गांव की एक बड़ी आबादी का संपर्क सरपंच से नियमित तौर पर होता है, और इसीलिए अगर सरपंच पॉजिटिव रहेगा तो गांव में भी एक पॉजिटिव मैसेज सरकार को लेकर जाएगा। इसीलिए जिस सरकार ने सरपंचों को के पर कतरे, ये शब्द अगर मैं सही सही इस्तेमाल करूं, वही सरकार अब सरपंचों को खुला उड़ने के लिए आसमान दे रही है, 21 लाख रुपए तक बिना टेंडर के काम करने की आजादी दे रही है। तो इसका सीधा मैसेज है, सीधा संकेत है कि सरकार जिन लोगों का जनता में सीधा प्रभाव है उनको अपनी तरफ से सकारात्मक संदेश देना चाहती है। ऐसे ही अगर आप पुजारियों की बात करें तो एक बड़ा वर्ग, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, एक बड़ा वर्ग विशेषकर महिलाएं जो है वो मंदिरों में उनका आना जाना नित्य कर्म में शामिल रहता है, और वो उनके सीधे प्रभाव में आती हैं। आप एक दूसरा अगर इसका वो देखें पंडित जी, तो जैसे मदरसे चलते हैं, मदरसों में कई तरह के लाभान जो है वो मदरसा में जो नियुक्त जो इमाम वगैरह है उनको जो मदरसा कल्याण बोर्ड है या जो सरकार की जो और संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश या और तमाम राज्यों में दिए जाते हैं, जिनको लेकर सवाल उठते रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लगातार इनको लेकर सवाल उठाती रही है, और ये कहती रही है कि भाई जो बहुसंख्यक जो वर्ग है, हिंदू जो समाज है, उनमें पुजारियों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और भाजपा के कहीं ना कहीं आप देखोगे चुनाव प्रचार के दौरान भाषणों में भी ये बात, भाजपा नेताओं के भाषणों में ये बात आमतौर पर सुनाई देती है। तो दो चीजें होंगी, एक तो सरकार ये बात विधानसभा चुनाव में छाती ठोक के कह सकेगी, देखो हमने एक ये ध्रुवीकरण में एक सहायक हो सकता है ये कदम, और दूसरा ये जो पुजारी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में मंदिरों में या और धार्मिक संस्थाओं में जो कार्यरत हैं, वो वहां पर सरकार को लेकर एक माहौल तैयार करने में सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। जी जी। योगेंद्र, इसकी पहचान कैसी होगी पुजारियों की, क्योंकि मंदिर बने हुए हैं किसी गली मोहल्ले में, तो इनकी कैसे कोई क्या पंजीकरण की व्यवस्था है, या सरकार के पास कोई डाटा है ऐसा कि कितने मंदिरों में कितने पुजारी हैं? इसमें पंडित जी देखिए, इसमें पुजारियों की संख्या और लोकल जो रजिस्ट्रेशन इनकी लोकल बॉडीज में होती है, प्रॉपर्टी तो वो एक प्रॉपर्टी तो है ना, वो किसी ना किसी संस्था के नाम है या किसी ने डोनेट की है, तो जो भी इसका पहले कोई इसका डाटा सरकार ने मंगाया था, अधिकारियों ने इसका डाटा अपने पास मंगाया था, अभी एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी पूरी सरकार के पास होती है कि कौन से मठ और मंदिर और ट्रस्ट जो है कहाँ कितना क्या क्या है, इसकी जानकारी हर लोकल बॉडी पे और नगर निगम पे या नगर परिषद है नगर पालिका है वहाँ एक जानकारी उपलब्ध होती है। लेकिन जहाँ तक एक पॉलिटिकल लाभ की बात जैसे रविंदर राठी जी ने कही है, पॉलिटिकल लाभ तो एक पॉलिटिकल पार्टी लेने का कोशिश करेगी, कोई भी दल हो, पॉलिटिकल लाभ के लिए ही पॉलिटिकल पार्टियां गठित हुई हैं, और अगर वो कोई वेलफेयर की स्कीम या कोई घोषणा कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि वोटर हमारे हमें कोई उसका लाभ देगा चुनाव के दौरान। और चुनाव सिर पे है सरपंचों का जहां तक मामला है, अगर गवर्नमेंट को लगा था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कुछ अधिकारियों ने सलाह दी थी कि साहब पंचायतों में बड़ा घपला है, सरपंच ऐसा कर लेते हैं, करप्शन है, पैसा जो है खाया जाता है, लगता नहीं है ठोस जमीनी हकीकत में पैसा खर्च नहीं होता, उन्होंने कहा भाई ठीक है इसको पैसे को जो है बंद कर देते हैं और ये इसका स्पेशल ऑडिट होगा और सीधे सीधे सरपंच को पावर नहीं होगी उसका रिएक्शन। अब इसको पंडित जी आप पूरी की पूरी किसी सोसाइटी को और जनप्रतिनिधियों को, कोई भी नगर परिषद नगर पालिका और नगर पंचायत है, गाँव का सरपंच है, वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और सारे के सारे बेईमान नहीं हुआ करते, अगर उसमें
5-10% भी लोग हैं तो 90% लोगों की बदनामी हो जाती है। जी। अगर 21 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, दे रही है, जब आप एक आदर्श गांव की बात करते हैं, जब आप किसी एमपी एमएलए के गांव की बात करते हैं उसको आदर्श गांव कहते हैं, कई स्कीमों में गांवों को अवार्ड मिले हैं, तो आप इस तरह के एग्जांपल को पेश कर सकते हैं कि वो पैसा पंचायत पे कितनी बढ़िया तरीके से खर्च किया है, एजुकेशन पे खर्च किया है, वृक्षारोपण पे किया है, लाइब्रेरी डिजिटल बनाई है कई पंचायतों ने, तो जरूरी नहीं है कि वो पैसे का हर आदमी मिस यूज ही कर रहा है, और सरकार इसका लाभ लेगी निश्चित तौर पर। रविंदर जी ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन के 2 महीने रहे हैं तो पॉलिटिकल लाभ लेने का तो सीधा सीधा, अगर नहीं वो इसका लाभ लेंगे तो वो 10 लाख की मांग कर रहे थे सरपंच, उन्होंने 21 लाख इसकी लिमिट कर दी, उसे कितना उन्होंने सोचा था उसके डबल करके 21 लाख कर दिया, ठीक है। सरपंचों को भी कर रहे हैं, तमाम जो भी घोषणाएं अब होंगी, कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हो, पत्रकारों की पेंशन बढ़नी हो, अभी रविंदर भाई अब हंसेंगे, और पत्रकारों को कुछ और लाभ मिलने हो, कैशलेस कार्ड मिलने हैं मेडिकल के, तो ये तमाम घोषणाएं वोट बैंक के लिए ही हो रही है। जी जी रविंदर, मैं एक बार आपके पास फिर आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है जिन मंदिरों का, चाहे वो बेरी है, चाहे वो गुड़गावा है, चाहे वो पिंजौर है, उसके अलावा जो मंदिर हैं, तो वो अलग अलग कमेटियां चला रही हैं या कहीं गांव वाले चला रहे हैं? अनेक जगह ऐसा भी है कि किसी ने अपना इंडिविजुअल मंदिर बनाया हुआ है, पुजारी रखा हुआ है, तो ये डाटा कैसे इकट्ठा होगा, कैसे तय किया जाएगा कि किनको क्या बेनिफिट दिया जाए? इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि पुजारियों ने अपने गली में, मोहल्लों में अपने मंदिर खोल रखे हैं, बहुत सारे, अब जैसे योगेंद्र जी कह रहे थे कि प्रॉपर्टी आईडी, तमाम लोगों की प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी हुई है। प्रॉपर्टी आईडी अपने आप में हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव हुए एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसमें खूब गालमेल रहा, खूब वो रहा, लेकिन ये है कि हाँ, जब भी सरकार की तरफ से कुछ डाटा मांगा जाता है, अधिकारी खाना पूर्ति करके एक फिगर बना के भेज देते हैं कि इतने अप्रोक्सीमेटली मंदिर हैं, इतने पुजारी हैं। अब आप देखेंगे पंडित जी, जैसे आपने बेरी वाले मंदिर की बात की, कई पुजारी हैं बेरी वाले मंदिर में, गुड़गांव में शीतला माता मंदिर में कई पुजारी हैं वो, लेकिन चूंकि बोर्ड के तहत एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर व्यवस्था देखता है तो चीजें वो ऑन पेपर होंगी, लेकिन बहुत सारे मंदिर शहरों में, गाँव में, विशेषकर गाँव में तो अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जहां ना कोई आईडी बनी है, ना कोई डिमार्केशन है, ना कोई, हाँ यही सोचने का विषय है कि उनकी कैसे काउंटिंग होगी, उनको लाभ कैसे दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पंडित जी जैसे अपन शुरू में आए थे वही बात है ना, एक तो मैसेज देना है सबसे बड़ी बात, तो क्या है कि आप जब सरकार के तौर पर एक मैसेज जाएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे आप अगर देखेंगे भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड है, तो कोई, अब कोई मजदूर आपके घर पे निर्माण के समय काम कर रहा है, कोई योगेंद्र जी के पे कर रहा है, लेकिन वो कहीं पंजीकृत नहीं है, सरकार ने एक पोर्टल बनाया, एक व्यवस्था दी, जिसको पता लगता है वो मजदूर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, और वो जो लाभ साइकिल का भत्ता या जो 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 जैसे जैसे लाभ है वो उनको लेने का पात्र बन जाता है। ऐसा ही सरकार, ये तो वैसे भी पोर्टल के लिए कुख्यात सरकार है, कोई एक पोर्टल कोई एक व्यवस्था बना दी जाएगी और वहां पर गांव से शहर से पंडित अपने मंदिरों के फोटो उतार उतार के, जैसे प्रॉपर्टी आईडी में होता है कि घर के बाहर खड़े हो फोटो अपलोड करो, गूगल मैप की लोकेशन डालते हुए लोंगिट्यूड लैटिट्यूड, तो वही सारी चीजें यहाँ भी हो जाएंगी, कुछ फॉर्मेलिटीज ड्रॉ हो जाएंगी और उनको फुलफिल करना पड़ेगा पुजारियों को भी। जी, पंडित जी मैं एक इसमें जोड़ना चाहूंगा, बहुत बढ़िया रविंदर जी ने बात कही है, बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गए थे ये। इसके लिए ऑनलाइन अगर आपको किसी योजना का लाभ लेना है और आपको आयुष्मान में या किसी तरह की स्कीम में कवर करना होना है, मैं प्रॉपर्टी आईडी, जो प्रॉपर्टी आईडी विवादित है मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो चुकी मंदिर है, मान लीजिए ट्रस्ट है, शीतला माता का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, वहां तो पुजारियों को वेतन मिल रहा है, गवर्नमेंट सैलरी दे, ठीक है ना, और उसमें अगर मंदिरों की, योगेंद्र मेरी बात समझे नहीं, मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो किसी गली मोहल्ले में है या किसी गांव में है, वो लोगों ने खोल रखे हैं मंदिर, वहां पुजारी भी रखा हुआ है, तो उन मंदिरों के बारे में, इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो आज तक चिन्हित नहीं है, या छोटी जगह किसी ने तस्वीर रख दी है, आप उनकी उनकी गिनती तो आप कर नहीं सकते, तो अनगिनत है, कहीं चार ईंटे रखे, किसी ने हरी चादर रख दी है, वो कोई कुछ नहीं है, लोग वो तो एक गुजारा भत्ता करने के लिए दिहाड़ी बन जाती है, वो अलग खेल है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के मंदिर हैं, जो आपके पुरानी प्राचीन मंदिर हैं, जो उनके, जो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को इस नीति का लाभ होना होगा वो आवेदन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, चीज है,
कमिश्नर है और नगर परिषद है, पहले इनसे एक रिपोर्ट मांगी गई थी, कोई डाटा इकट्ठा किया था गवर्नमेंट ने, उसके बाद ये पॉलिसी पे विचार हुआ था, उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी हुई थी। यह तो तय है कि सरकार पुजारियों के वेलफेयर के लिए गंभीर है, इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। अब ये देखना होगा कि ये फैसला कब आता है कि पुजारियों को वेतन मिलेगा। हाँ, इतना भी तय है, अगर पुजारियों को वेतन मिलता है तो ये भाजपा के लिए तुरुप का इक्का भी हो सकता है, क्योंकि पुजारी आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं में खासा प्रभाव रखते हैं, महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी खासा प्रभाव रखते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं में खासा प्रभाव रखते हैं जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं या फिर वो लगातार मंदिर से जुड़े रहते हैं, वे खासा वोट बैंक प्रभावित करते हैं। हाँ, इसका परिणाम क्या होगा ये तो विधानसभा चुनाव में पता लगेगा, लेकिन इतना तय है सरकार एक और राहत देने की तैयारी कर रही है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।